आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम आदित्याय। ऋषिवर, आप सूर्यदेव को अर्घ्य किसके लिए अर्पण कर रहे थे? किसके लिए अर्थात? अपने पराजित निराश लाचार पुत्र कुबेर की सफलता के लिए। नारायण नारायण। पराक्रमी पुत्र रावण की विश्व विजय के लिए। नहीं केकसी, मैं इन दोनों के लिए सूर्यदेव को अर्घ अर्पण नहीं कर रहा था। तो क्या स्वयं अपने लिए प्रदान कर रहे थे? तुम्हारे इन विचित्र प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न तो क्या, मैं भी आपको विचित्र ही लगती हूँ ना ऋषिवर? केकसी, एक ऋषि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। प्राणी मात्र अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए ना ऋषिवर? तब तो आप उचित कार्य कर रहे थे स्वामी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये संपूर्ण विश्व मेरे प्रिय पुत्र रावण की संपत्ति हो जाएगी। केकसी, जीवन में सफलता की महत्वाकांक्षा अनुचित नहीं है, परंतु अति महत्वाकांक्षा सफलता के लिए घातक हो जाती है। मेरे पराक्रमी पुत्र रावण की सफलता का हर विषय तो आपको विष के समान कटु ही लगेगा। क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता ऋषिवर। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ केकसी, तुम्हारी दुर्भावना पर चकित हो रहा हूँ। अभी से चकित ना हो ऋषिवर, मेरे पुत्र रावण की विश्व विजय के साथ साथ आपके चकित होने के अनेक अवसर आएंगे। इस समय मेरा मन पूजा आराधना में उत्सुक है, व्यर्थ विवाद का इच्छुक नहीं। पूजा आराधना, मुझे आपका द्वेष और पाखंड भली भांति ज्ञात है ऋषिवर। आप मेरे पुत्रों से द्वेष करते हैं, स्नेह करते हैं एकमात्र कुबेर से। आप कुबेर की सफलता हेतु प्रार्थना करते हैं और मेरे पुत्र रावण की पराजय की कामना करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं केकसी? समझाने की आवश्यकता भी नहीं है ऋषिवर, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कदापि इस बात के इच्छुक नहीं है कि मेरा पुत्र रावण आपके कुपुत्र कुबेर से महान बने। मुझे क्षमा करो केकसी, मैं तुम्हारी व्यर्थ के विवाद में पढ़कर पूजा आराधना में लगे अपने मन को शुद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ। आपके रूप में इस संसार में पहला पिता देखा है ऋषि जो अपने पुत्र की सफलता से क्षुब्ध होता है। व्यंग के तीखे प्रहार न करो केकसी, मुझे जाने दो। ठहरिए ऋषिवर, आज मैं एक निर्णय आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छुक हूँ। कैसा निर्णय? यही कि क्या आप महापराक्रमी रावण को विश्व विजय देखने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। मेरा रावण इस विश्व पर विजय करके रहेगा, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु मैं ये ज्ञात करने की इच्छुक हूँ कि विश्व विजय रावण को देखकर आप प्रसन्न होंगे अथवा क्षुब्ध। मुझे आपके निर्णय का ज्ञान हो गया है ऋषिवर, आप मेरे पुत्र रावण को विश्व विजय देखने के इच्छुक नहीं है। रावण के प्रति आपकी दुर्भावना प्रकट हो गई। अपने पुत्र के प्रति दुर्भावना रखने वाला विश्व के कल्याण का पाखंड करता है। शिव 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 शिव। मेरे मौन का कोई भी अर्थ निकालने के लिए तुम स्वतंत्र हो केकसी, भगवान के लिए इस विषय पर मुझसे कोई अन्य प्रश्न न करना। नारायण नारायण। अपने आप को ऋषि कहलाने वाले इस व्यक्ति के मन की दुर्भावना मुझे भली भांति ज्ञात हो गई है। एक न एक दिन मेरा रावण इन ऋषियों के पाखंड को समाप्त करने में सफल हो जाएगा, इसकी चेतावनी इन्हें आज ही दे। ऋषिवर ऋषिवर। नारायण नारायण।
प्रणाम रावण माता केकसी, प्रणाम। शिव 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 शिव। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं, ऋषि विश्रवा की धर्मपत्नी और रावण की माता केकसी, मैं नारद हूँ। उन्हीं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिन्होंने आपके पुत्र रावण को दशानन होने का वरदान दिया। नारायण नारायण। आपको पहचानना मेरे लिए कठिन नहीं है देवर्षि नारद। आश्चर्य है, आप पहचान कर भी अपरिचितों जैसा व्यवहार कर रही हैं। इसलिए कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। आप किस बात पर आश्चर्यचकित हैं? इस समय आपके यहाँ प्रकट होने पर और ये सोचकर कि आपका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। नारायण नारायण, मैं किसी प्रयोजन के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया रावण माता केकसी। जहाँ तक मेरा आपसे परिचय है, आप बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाते देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं रावण माता केकसी? मैं तो बिना किसी प्रयोजन के हर एक शिव भक्त को सत परामर्श दिया करता हूँ। और स्वयं उस विष्णु की भक्ति करते हैं आप, जो सदा देवताओं की विजय और असुरों के पराजय के इच्छुक रहते हैं। नारायण नारायण। रावण माता केकसी, परम पिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ में अंतर आप जैसी नारियां ही कर सकती हैं। मुझे तो विश्व का संचालन करने वाली इन त्रिगुणी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहिए, किस शिव भक्ति का सत परामर्श लेकर उपस्थित हुए हैं आप? नारायण नारायण। गगन मार्ग से जाते समय उत्सुकतावश मैंने आप पति पत्नी का संवाद सुना। आप अपने पुत्र रावण की विश्व विजय कामना पर ऋषि विश्रवा से समर्थन की इच्छुक थी, किंतु वे तो मौन रहे। ऋषियों के पाखंड से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु आज पता चला कि देवताओं के ऋषि नारद भी पाखंड के महारथी हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं रावण माता केकसी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि देवर्षि नारद पति पत्नी का वार्तालाप गुप्त रूप से सुन रहे थे। ये दृश्यता आपको शोभा देती है देवर्षि नारद? नहीं रावण माता केकसी, नहीं, गुप्त रूप से नहीं, अपितु मैंने सब कुछ प्रकट रूप से सुना है। जब आपका तीव्र स्वर आकाश की ओर गया, तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया और मेरी उत्सुकता जाग गई। नारायण नारायण। और सब कुछ सुनने के पश्चात मैं आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश हो गया। आपकी विवशता का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। रावण माता केकसी, यदि आप सत्य ही अपने पुत्र रावण की सफलता की इच्छुक हैं, तब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अन्यथा मैं तो क्या रमता जोगी बहता पानी अभी प्रकट हुआ था, अभी अदृश्य हो जाता हूँ। वास्तव में अपने पति की उपेक्षा से मेरा मन खिन्न था। नारायण नारायण। अन्यथा केकसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो अपने पुत्र रावण की सफलता और विश्व विजय ही है। तो फिर रावण माता केकसी, अपने मन की खिन्नता को त्याग कर अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। कहे देवर्षि कहे। रावण माता केकसी, रावण की विश्व विजय, उत्कर्ष और सफलता के लिए आप इसी पवित्र नदी के तट पर एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के उपरांत इसी नदी में विसर्जित करने का संकल्प करें। क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदा संतुष्ट करते हैं। उनसे अधिक चमत्कारी इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, फिर वो विधि के विधान को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपका पुत्र रावण भी विश्व विजयी हो जाएगा। नारायण नारायण। आप वही देख रहे हैं वरुण देव जो कुछ मैं देख रहा हूँ? हाँ पवन देव, देख तो मैं भी रहा हूँ।
यह पुष्पक विमान तो परम शिव भक्त कुबेर का है, इसे देवशत्रु दुष्ट रावण कहां लिए जा रहा है? वैशर्वा कुबेर शिव भक्त होने के साथ ही हमारे परम मित्र भी हैं। उनका विमान हमारे सामने अपहृत कर लिया जाए, यह अनुचित है पावन देव। अवश्य ही ये दुष्ट रावण सज्जन कुबेर का पुष्पक विमान चोरी करके लिए जा रहा होगा। यदि रावण पुष्पक विमान कुबेर को परास्त करके भी ले जा रहा है तो भी हमें इसका विरोध करना होगा। अवश्य, एक शिवभक्त होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम दुष्टता का विरोध करें। मित्रता की मर्यादा भी यही है पवनदेव, कि हम संकट में पड़े अपने मित्र की हर संभव सहायता करें। हम इसी समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस दुष्ट रावण को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। यही उचित होगा पवनदेव, इससे भविष्य में कोई भी दुर्जन किसी सज्जन को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकर आ रहा है उसी मार्ग से लौट जा और हमारे परम मित्र कुबेर से अपने दुष्टता की क्षमा याचना करते हुए यह पुष्पक विमान उन्हें लौटा दे। यह पुष्पक विमान मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है, मुझे आदेश देने वाले तुम होते कौन हो? हम वैशर्वा कुबेर के परम मित्र हैं। यदि तुमने हमारा आदेश नहीं माना तो हमारा क्रोध तुम्हें समाप्त कर देगा। तुम समाप्त करोगे रावण को? ब्रह्मा जी से दशानंद होने की शक्ति प्राप्त करने वाले रावण को? चंद्रहास खड़क देने वाले परात पर ब्रह्म भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त करने वाले रावण को? तुम मारोगे लंकेश्वर रावण को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं अपने शत्रुओं की अकाल मृत्यु लिखने वाला है रावण? अब तुम्हारी भी मृत्यु लिखेगा रावण। दुष्ट देव शत्रु रावण, तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसकी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है। क्या देवाधिदेव शिव अब दुष्टों को अभय प्रदान करेंगे? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। हा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